from becoming a humble pracharak to an inspiring role model. Ashok Singhal dedicated his life to the Sangh Parivar. Today, when his motionless body lies at RSS office in New Delhi, BJP, VHP as well as RSS leaders are pouring in to pay homage to him. Singhal passed away yesterday in a Gurgaon hospital at the age of 89, but has also left a legacy of Hindutva and Ram Janmabhoomi movement. उनकी विचारों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता कमिटमेंट ये निश्चित ही सभी विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में रही है। हिंदू समाज उनके इस मृत्यु से बहुत आहत है, दुखी है और एक बहुत बड़ी रिक्तता हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। सदाई मानी अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में विश्वास रखता था। मैं इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हूँ कि मानी सिंघल जी के साथ विश्व हिंदू परिषद से अपनी यात्रा प्रारंभ करके और उनका लगाया हुआ मैं पौधा हूँ। आज मैं पांचवी बार लोकसभा में हूँ। मानी अशोक सिंघल के द्वारा हिंदू समाज में जो छुआछूत का एक बहुत बड़ा इसका फैलाव था, उसे दूर करने का, दलितों के लिए 200-250 मंदिर बनाने का और साधु समाज में भी जो अप्रसन्नता थी उस साधु समाज के बीच की भी छुआछूत को दूर करके एक मंच पर लाने का, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो परिणाम देखने को मिल रहा है, आज विश्व का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मानी अशोक सिंघल की है, उससे नकारा नहीं जा सकता। भारतवर्ष के लिए और हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संगठन के बहुत बड़ी हस्ती, एक मार्गदर्शक और राष्ट्रहित की को ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म को आगे ले जाने वाले अशोक जी सिंघल जो आज हमारे साथ नहीं है, उनका दिखाया हुआ मार्ग और जिस सिद्धांतों पे वो जिए हैं वो हमेशा याद रखेंगे और एक ऐसे रास्ते पे जिस पे भारत राष्ट्र पूरी दुनिया में महान बन सकता है और भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हर धर्म का हर जात का और मजबूत बन सकता है, उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र नहीं, मैं कहूँगी ये पूरे विश्व का नुकसान है, इसलिए है कि एक संगठना खड़ी करना, उसको वैश्विक स्तर पर पहुँचाना और सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाकर उनके सामने खुद सेवक के रूप में खड़े करना, ये कोई महान ऋषि ही कर सकता है, तो आज अपने एक महान ऋषि खोया है। अशोक जी इस वर्ष अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे और हम सब ने कामना की थी कि वो शतायु हों, कम से कम 10 वर्ष तक और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, लेकिन वो तो 10 वर्ष पहले ही चले गए। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था और मछली की आँख की तरह वो अपना जीवन उसी लक्ष्य के लिए जीते रहे। हालांकि वो 89 वर्ष की उम्र में गए, लेकिन लगता है असमय ही चले गए। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है, उतना समर्पित जीवन जेके कोई उनकी पूर्ति कर सकेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनके श्री चरणों में मेरी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वन अंचलों में बस्तर से सरगुजा, वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में एकल विद्यालय की स्थापना का काम, जो अंतिम गांव तक बच्चों के निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एकल विद्यालय के नाम से इन्होंने किया, वो अपने आप में एक बड़ा योगदान उस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए है। और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जो उन्होंने एक अभियान छेड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रकल्प जितने चलाए, मुझे लगता है ये हमेशा उन्हें याद रखेगा, उनके कामों को याद रखेगा और उनको हम सब
आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम का विस्तार हम करें, उनको आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का ये दिन सिंघल साहब के पार्थिव शरीर के पास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए दिया है, हमारे जैसे लोग अपने आप को इस अवसर पर एक अनुभूति के रूप में श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए अपने क्षेत्र की ओर से, अपने जिला की ओर से और विशेष रूप से जे देश की ओर से समझता हूँ कि सिंघल साहब का जो अभूतपूर्व योगदान देश और धर्म के प्रति रहा है, उसे समाज कभी नहीं भुला सकता। हमारी श्रद्धांजलि है। हमारे सबकी अभिभावक परम आदरणीय अशोक जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे विचार के लिए हमारे मार्गदर्शक को गंवाने में हम लोगों की बहुत हानि हुई है और ये एक हम सबकी व्यक्तिगत जिंदगी में अशोक जी की बहुत भूमिका थी। भगवान उनको अपने पास ले जाए। हम सबों ने अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करना उनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। Powered by NNIS.